और खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एक और बड़ी और अहम जानकारी का। पृथला से बड़ी जानकारी, गढ़पुरी टोल पर महापंचायत का आयोजन दरअसल किया जाना है। टोल पर हथियार दिखाकर दरअसल धमकी दी गई थी, हालांकि पुलिस ने आरोपी को काबू भी कर लिया था। पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ था, जिस तरह से एक शख्स भरी सभा में देसी कट्टा दिखाकर लोगों को चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा था। पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए थे, हालांकि पुलिस ने शख्स को काबू किया है और अब महापंचायत की जाएगी और बड़ा फैसला लिया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। टोल संघर्ष समिति ने दरअसल आरोप लगाए हैं, पंचायत जमीन पर टोल बनाने के आरोप लगे हैं, पंचायत की जमीन पर टोल बनाने के आरोप लगाए गए। बहरहाल मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। गिरफ्तारियां भले ही इस पूरे मामले में हुई हों, लेकिन लोगों का गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मामले में दो और आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। टोल हटाने के लिए दरअसल धरने पर बैठे हैं ग्रामीण और आरोप है कि पंचायत की जमीन पर टोल बनाया गया है। ग्रामीणों को हथियार दिखाकर ये धमकी दी गई थी, जिसकी तस्वीरें वायरल हुई थी और जनता टीवी ने भी प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था। बेहद ही संवेदनशील मसला इस लिहाज से भी कि पूर्व विधायक उस सभा में बैठे थे और एक शख्स बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के देसी कट्टा निकालकर धमकी देता नजर आ रहा था। और राजेंद्र कुमार पृथला से हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं और बातचीत के लिए। राजेंद्र, ये बड़ी जानकारी सामने आई है, गढ़पुरी टोल प्लाजा से जुड़ी हुई महापंचायत होगी और बड़ा फैसला लिए जाने की उम्मीद है, किस तरह की चर्चाएं अभी चल रही हैं? देखिए, सैकड़ों लोग यहां पर पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से टोल पर सरेआम हथियार लेकर धमकी दी गई थी, उसको लेकर लोगों में भारी रोष है। और आज इस महापंचायत में कोई बड़ा फैसला भी यहां पर लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आपराधिक किस्म के लोग अभी से ही यहां पर जो है लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं, तो आगे इस पर बड़ी वारदात भी हो सकती है, ऐसा मानना टोल संघर्ष समिति के सदस्यों का है। और इसी बात को लेकर पुलिस को भी शिकायत दी गई, हालांकि इसमें दो आरोपी अभी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन वो किसके इशारे पर यहाँ इनको धमकी देने के लिए आए थे, क्या टोल वालों का इसमें हाथ है, इस बात को लेकर अभी जांच बकाया है। ये देखना होगा कि जांच में आखिर क्या कुछ सामने अब आता है। जी, पुलिस की जांच को आपने जिक्र किया राजेंद्र, लेकिन जिस दौरान ये तस्वीरें सामने आई थी, शख्स बेखौफ होकर देसी कट्टा निकालकर लोगों को धमकाता हुआ नजर आ रहा था, आरोप पुलिस पर भी लगाए गए कि इस दौरान भी पुलिस मौके पर मौजूद थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। देखिए, बिल्कुल सदर जो थाना SHO उनकी जो गाड़ी थी वहां मौके पर थी और एक बस वहां पर खड़ी हुई थी, तमाम पुलिसकर्मी उसमें मौजूद थे और साफ तौर पर कहें तो वहां पूरी पुलिस की मौजूदगी थी जब जिस समय आरोपी ने वहां पर धमकी दी थी। लेकिन पुलिस के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है, जो कर्मचारी वहां ड्यूटी पर थे उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से सरेआम जब वो धमकी देकर गया तो वहां किसी ने भी उसको टोकने की हिमाकत नहीं की और ना ही किसी ने हिम्मत दिखाई। तो अब सवाल यही उठता है, जिस तरीके से सरेआम गुंडागर्दी जो देखने को मिली है, इसको लेकर महापंचायत अब क्या फैसला देगी और प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई कर पाता है। जी राजेंद्र, लेकिन एक बड़ा सवाल अब महापंचायत को लेकर भी उठता है, क्योंकि आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जो टोल बना है वो पंचायत की जमीन है और अभी से अगर इस तरह की गुंडागर्दी की जा रही है तो भविष्य में क्या होगा, ये ज्यादा समझने में देरी नहीं लगेगी? देखिए, साफ तौर पर कहें तो BDPO ने इनको नोटिस दिया हुआ है टोल कर्मियों को, और ये जो जमीन है वो ग्राम पंचायत गढ़पुरी की है जहां पर टोल की जो बिल्डिंग बनाई गई है, और इसको लेकर जो टोल हटाओ संघर्ष समिति उसने यहाँ पर बोर्ड भी लगाया हुआ कि ये जमीन गढ़पुरी ग्राम पंचायत की है और ये टोल यहाँ पर अवैध रूप से बनाया गया है, इसको किसी भी हालात में चलने नहीं दिया जाएगा क्योंकि नॉर्म्स इसके पूरे नहीं है और जब तक नॉर्म्स पूरे नहीं होंगे उसको लेकर ये विवाद बना रहेगा। कहीं ना कहीं इसी को लेकर आज महापंचायत और महापंचायत में जो फैसला होगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि हजारों लोग यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, लोगों में भारी रोष व्याप्त है, सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीरों से लोग जो है विचलित नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल राजेंद्र, कहीं ना कहीं बेहद ही संवेदनशील पूरा मसला निकलकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। महापंचायत को लेकर और बात करते हैं राजेंद्र, किस तरह की तस्वीर इस दौरान नजर आ रही, क्योंकि लोगों में काफी ज्यादा रोष बना हुआ है? देखिए, सैकड़ों पुलिसकर्मी यहां पर आज तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी अनहोनी घटना से निपटा जा सके और इसको लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी चाक चौबंद नजर आ रही है।
कि कोई किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, लेकिन महापंचायत में जो ग्रामीण यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो भी बड़े ही आराम से यहाँ पर पहुंचे हैं और साफ तौर पर कहें तो शांति प्रिय तरीके से यहाँ पर अपना प्रदर्शन करेंगे और यहाँ पर जो पंचायत होगी उसमें सभी अपना अपना सुझाव देंगे। सुझाव के अनुसार जो भी बात सामने निकल कर आएगी उस पर फैसला लिया जाएगा, क्योंकि लोगों का कहना है कि उनका रात दिन आना जाना रहता है, उनकी रिश्तेदारियां इधर से उधर हैं एक ही जिले में, तो उसको लेकर उनको काफी परेशानी होने वाली है। इस बात को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है और जो गजपुरी की जो पंचायत थी वहां की जो जमीन है उसको लेकर भी विवाद जो है गहराता जा रहा है, लेकिन टोल कर्मी लगातार इसको चलाने की फिराक में है और देखना होगा कि क्या टोल इन हालातों में अब चल पाता है या फिर जो टोल हटाओ संघर्ष समिति है वो इसमें कामयाब हो पाती है। जी राजेंद्र, नजरें बनाए रखिए, लगातार आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, बेहद ही तूल पकड़ता हुआ मामला कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो पृथला से ये बड़ी जानकारी जहां महापंचायत का आयोजन किया गया है और साफ तौर पर आरोप गंभीर लगाए गए हैं। टोल हटाने के लिए धरने पर बैठे हैं ग्रामीण, आरोप है पंचायत जमीन पर टोल बनाया गया है।